हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों से ट्रैवल बैन के बारे में एक लाइव सेशन किया था एंड वो न्यूज़ इतनी एक्साइटिंग थी कि मैं एक्साइटमेंट में मैंने कहा कि नहीं, मैं तुरंत लाइव करता हूं एंड आई हैड टू गिव यू दैट न्यूज़ कि भाई ट्रैवल बैन जो है वो ख़त्म हो गया है। बट बहुत सारे कमेंट्स आए एंड आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि मुझे ये थोड़ा सा डिटेल में इसको कवर करना चाहिए क्योंकि ढेर सारे कमेंट्स आपके आए एंड थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग ऑन दैट वीडियो और उस वीडियो को इतना प्यार करने के लिए। सो उसमें बेसिकली बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट रखी कि आप प्लीज़ थोड़ा सा इसको डिटेल में बताएं कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिन पर से ट्रैवल बैन हट गया है और कौन कौन सी वो कैटेगरीज हैं जिन पर अभी भी ट्रैवल बैन रहेगा। सो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि मुझे इस पर डेफिनेटली एक वीडियो करना चाहिए, सो मैं आप लोगों के सामने आज वही लेकर आया हूँ। एंड हेयर आई वुड लाइक टू से कि दोस्तों, मैं इमिग्रेशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, इमिग्रेशन अटर्नी भी नहीं हूँ। सो आपको अगर इमिग्रेशन से रिलेटेड एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए हो, सो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा लॉयर जो है आप हायर कीजिए और उनसे प्रॉपर मदद लीजिए अपने इमिग्रेशन के लिए। बट नाउ लेट्स गो इन टू दैट कि भाई इस प्रोक्लेमेशन में है क्या। सो अगर हम इसका टाइटल देखें दोस्तों, सो ये टाइटल है प्रोक्लेमेशन ऑन प्रोक्लेमेशन 10014। सो अब सवाल आता है कि प्रोक्लेमेशन 10014 में क्या था। सो अगर हम थोड़ा सा इसके बैक में जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं, सो 10014 जो था वो 22 अप्रैल 2020 को आया था और उसमें ये था कि जितने भी फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन है, कहने का मतलब ये है कि यूएस सिटीजन्स के जो रिलेटिव हैं उनका इमिग्रेशन जो ग्रीन कार्ड होता है एंड जो लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, उनके रिलेटिव्स का भी ग्रीन कार्ड की जो भी प्रोसेसिंग है वो सब रोक दी जाएगी, जो लोग यूएस के बाहर बैठे हैं बेसिकली। सो उन सब का ग्रीन कार्ड जो है वो प्रोसेस नहीं होंगे। इसके बाद दूसरा एक प्रोक्लेमेशन आया जो कि था, जो जून में आया और उसका वो था 10052 और उसमें बेसिकली ये था कि जो ये पहले वाला प्रोक्लेमेशन है ग्रीन कार्ड पर बैन वो रहेगा और दूसरा उसमें ऐड कर दी गई चीज वो थी कि भाई वर्क वीजा भी बैन कर दिए गए थे। उसमें H1 था, H1B था, L था, L1 एंड उसमें कुछ हद तक J1 वीजा भी थे। कुछ कैटेगरीज ऐसी थी J1 वीजा की, जैसे रिसर्चर्स होते हैं या बहुत ही इमीडिएट जिनकी रिक्वायरमेंट है यूएस में अर्जेंट केसेस में, उनको आना अलाउड था, वरना H1B, L1 एंड J1 ये सारे जो वर्क वीजा होते हैं वो सब ही बैन थे और इसको 31 दिसंबर 2020 तक रखा गया था। बट उसके बाद ये भी एक्सटेंड हो गया और उस एक्सटेंशन के बाद इसको नंबर मिला 10131 और जिसमें कि वो उस टाइम पर सेम था कि भाई ग्रीन कार्ड एंड वर्क वीजा सब बैन रहेंगे और 31 मार्च 2021 तक ये बैन रहेगा। सो बेसिकली अभी जो प्रोक्लेमेशन आया है बैन लिफ्ट करने के लिए वो आया है टू रिवोक प्रोक्लेमेशन 10014 एंड सेकेंड इज सेक्शन 1 ऑफ 10052 जो कि बेसिकली 10014 ही है एंड देन सेक्शन 1 ऑफ 10131 एंड विच इज अगेन सेम थिंग। सो ये भी वही सेम है। सो सेक्शन 1 ऑफ 10052 एंड सेक्शन 1 ऑफ 10131 इज प्रोक्लेमेशन 10014। सो कहने का मतलब ये है कि इस प्रोक्लेमेशन में जो साइन किया गया है वो ट्रैवल बैन लिफ्ट किया गया है फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन से एंड डाइवर्सिटी वीजा जो कि लॉटरी बेस्ड जो ग्रीन कार्ड होते हैं उस पर से ये ट्रैवल बैन लिफ्ट किया गया है। सो अगर हम बात करें फैमिली बेस्ड जो कैटेगरीज होती हैं उसमें देखिए F1 जो है वो यूएस सिटीजन के एडल्ट चिल्ड्रन अनमैरिड मोर देन 21 ईयर्स ओल्ड वो आते हैं। F2A जिसमें कि ग्रीन कार्ड होल्डर के स्पाउस एंड अंडर 21 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन आते हैं। F2B जिसमें कि मोर देन 21 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन ऑफ ग्रीन कार्ड होल्डर बट अनमैरिड एंड देन F3 विच इज मैरिड चिल्ड्रन ऑफ यूएस सिटीजन एंड देन F4 जो कि आप सभी बहुत फेवरेट कैटेगरी है, बहुत लोग इस पर सवाल पूछते हैं, जो कि सिबलिंग्स के लिए है। सो बेसिकली ऑल दीज फैमिली बेस्ड कैटेगरीज जो है इमिग्रेशन की उन पर से बैन और इसमें एक और बैन था जो इंक्लूडेड था जो कि इमीडिएट रिलेटिव ऑफ यूएस सिटीजन होता है जिसमें कि
पेरेंट्स होते हैं, सो पेरेंट्स बीइंग इमीडिएट रिलेटिव ऑफ यूएस सिटीजन, उनका भी ट्रैवल बैन था, एक्सेप्ट सिर्फ एक कैटेगरी थी जिस पर बैन नहीं था, वो था यूएस सिटीजन के स्पाउस एंड अंडर 21 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। सो ये वाली कैटेगरी जो थी वो बैन नहीं थी, बाकी सारी फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन सब बैन था। सो अभी फिलहाल जितने भी कैटेगरीज है F1 से लेके एंड F4 तक, वो सारे के सारे ट्रेवल बैन उन पर से हटा दिया गया है। बट अभी इनको जो गाइडलाइंस आएंगी कि आगे जो लोग अभी वेट कर रहे थे अपने ग्रीन कार्ड का, उनको कैसे प्रोसीड करना चाहिए, वो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या फिर जो भी फेडरल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट इसको रिलीज करेगा, सो उसके आने के बाद आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि अगर आप अपने ग्रीन कार्ड का वेट कर रहे थे या फिर आपका इमिग्रेशन वीजा जो है स्टैम्प हो गया, सो आपको ट्रेवल करने के लिए अभी क्या करना होगा। सो आई थिंक उसका थोड़ा सा वेट करते हैं। एंड रही बात भाई अब जो ट्रेवल बैन वर्क वीजास पर था, जिसमें कि H1B, L1, J1 ये सारे शामिल थे, उन पर जो बैन है वो अभी भी रहेगा और वो 31 मार्च तक जैसे कि अभी है तो वहां तक तो रह गई। ये हो सकता है कि जिस तरह से ये ट्रैवल बैन भी फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन वाला जो 31 मार्च तक ही था, लेकिन उससे पहले ही ये बैन लिफ्ट कर लिया गया है, हो सकता है अगले आने वाले 1-2 हफ्ते में ये वर्क वीजा वाला बैन भी जो है वो लिफ्ट कर लिया जाए, हटा दिया जाए। सो मुझे वही लग रहा था कि मैं आप लोगों से ये इन डिटेल जो है मुझे ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है कि किस किस कैटेगरी पर बैन लगा हुआ है और किस किस कैटेगरी पर से अभी बैन हट गया है, सो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो भाई अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको खूब लाइक करना दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक करने से डेफिनेटली मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और एक सही डायरेक्शन मिलती है कि यार कि मुझे ऐसा कोई भी टॉपिक आता है आप लोगों के लिए ज़रूर मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर दे दूँ। एंड अगर आपको लगता है कि भाई ये किसी के काम का है वीडियो, तो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर लेना। और आप चैनल पर अगर नए हैं सो विद बेल बटन सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।